गोवा जाने का प्लान है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, गोवा हम इंडियंस का हवाई है, बट कंफ्यूज्ड साउथ गोवा जाएं या नॉर्थ गोवा। बट इस वीडियो को एंड तक देखो और आंसर मिल जाएगा 100%। हे गाइस, दिस इज अर्जुन एंड इस व्लॉग में मैं आपको नॉर्थ गोवा का सबसे रॉकिंग बीच दिखाने वाला हूँ अंजुना, अलॉन्ग विद माय गर्लफ्रेंड एंड पूरी इन्फॉर्मेशन गोवा के बारे में, क्योंकि मैं गोवा में रह चुका हूँ। बट उससे पहले नॉर्थ क्यों? क्योंकि नॉर्थ इज द हब ऑफ गोवन पार्टीज। देखो गाइस, अगर आपको ऐसे बीचेस पे जाना पसंद है जहाँ चार पांच गोरे बुड्ढे बुक पढ़ रहे हो एंड शांति ही शांति हो एंड सुंदर बीचेस हो, तो साउथ ही जाना। एंड ये वीडियो तो आपके लिए नहीं है, ये चैनल भी आपके लिए नहीं है फिर तो। बट अगर आपको मेरी तरह बीचेस एंड पार्टीज पसंद है जहाँ लोग इन्जॉय कर रहे हों, रात को आतिशबाजी, आसमान में म्यूजिक, खाना एंड पीना, नए लोगों से मिलना, तो नॉर्थ इज द आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ द आइकॉन ट्रैवल पार्टी। बट नॉर्थ गोवा में भी 8 बीचेस हैं, तो उनमें से कौन सा, क्योंकि 4 दिन का ट्रिप होता है एंड अगर 2 दिन गलत बीचेस पे ही बैठे रहे तो पैसा तो वेस्ट है ही, ट्रिप भी वेस्ट। अब 8 बीचेस हैं, बागा, कांदोलिम, कैलंगूट, सिंकुरिन, वागातोर, अंजुना, आरंबोल और मोरजिम। एंड इनमें से पार्टी एंड फन वाले बीचेस हैं वागातोर, अंजुना, आरंबोल, बागा। दूसरे वालों पे जा सकते हो, बट अगर सबसे ज्यादा फन करना है तो इन्हीं पे जाना। अब बागा की पूरी इंफॉर्मेशन A to Z लास्ट वीडियो में है एंड उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वागत और नेक्स्ट वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर गोवा के फुल ट्रिप की प्लानिंग इन 5,000 रुपये, वो भी अगर आपको जानना है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये सब क्लियर करने के बाद हम चलते हैं अंजुना बीच गोवा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गोवा का कोई भी ट्रिप पूरा हो ही नहीं सकता जब तक आपने अंजुना पे पार्टी नहीं करी। So guys, finally we have reached our beach number 2, अंजुना बीच। The view is that side. यहाँ स्कूटी से बहुत इजीली आ सकते हो, लोकेशन करली सर्च कर लेना अपने मैप पे, क्योंकि रास्ता थोड़ा अजीब लगेगा अंजुना पे जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे। नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच एंड ऐसा बीच जो फेमस है अपने साई ट्रांस पार्टीज के लिए एंड हिप्पी लाइफस्टाइल के लिए। अंजुना बीच का मेन स्पॉट जहाँ सारा पार्टी सीन है वो है करलीज बीच शैक। Salty water on my lips, sand in my feet. This is Curly's Goa. Fuck off season. जो trust me किसी beach club से कम नहीं है. Guys, what is up? I'm ready to go in the water now. Just 2-3 minutes back it was raining and now it's bright sunny, like so sunny. You see the sun? Quick update guys, it's having a glass of beer. I actually really like Anjuna Beach. Very relaxing. It's the good life. एंड उसी के बराबर में आपको मिलेगा शिवा वैली, जो हिप्पीज का हेवन है,
क्योंकि वहाँ है बेस्ट साई ट्रांस पार्टी, गोवा की बेस्ट साई ट्रांस म्यूजिक एंड पूरे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साई ट्रांस पार्टीज में से एक है शिवा वैली। दिसंबर एंड सीजन टाइम में गोवा के जो कि होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, इन महीनों में अंजुना बीच आपको पैक्ड मिलेगा हमेशा, तो दिन में भी एंड रात में भी। तो अगर यहाँ जाते हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड क्राउड फुल रहता है, आप फॉरेनर्स भी मिलेंगे, तो 100% गारंटीड एंजॉय करोगे लाइक अ लैविश बीच डेस्टिनेशन की तरह। व्हाट्स अप गाइस, सो हाइकिंग डाउन दैट sand mountain, it was much more difficult than hiking up, so yeah, because the rocks are really slippery. However, we gotta do what we gotta do, right? We are just chilling and living life. रात को कर्लीज के आगे अमेजिंग आतिशबाजी होती है एंड मैंने इवन अपना न्यू ईयर की ईव भी यहीं सेलिब्रेट करी थी एंड वो मेरा सबसे अमेजिंग न्यू ईयर था। भी अंजुना पे ही रहता था बाय द वे। अंजुना बीच के दो साइड्स हैं, एक तो कर्लीज वाला एंड अंजुना फ्ली मार्केट वाला, एंड दूसरी तरफ दो बहुत फेमस बीच क्लब्स हैं, एक का नाम है कैफे लिलीपुट एंड दूसरा है यूवी बार। कैफे लिलीपुट में आपको मिलेगा बॉलीवुड म्यूजिक, एंड यूवी बार इज अ फुल ऑन साई पार्टी, वहाँ पे आपको साइड ट्रांस म्यूजिक मिलेगा। बट जब एक साइड से बीच के दूसरी साइड जाते हो फ्रॉम कर्लीज टू यूवी बार वाली साइड, तो बीच में ये ब्लैक स्लिपरी पत्थर का रास्ता आएगा काफ़ी लंबा, तो थोड़ा ध्यान से जाना। एंड अगर रात में एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो रोड से ही चले जाना, वो बेटर। So yeah, it's really difficult walking on these black stones at the beach because they are slippery and they are sharp as well. And I'm wearing these scuba diving kets which I bought from Thailand. So I really like these because you can like, you know, go in the sea, you can go swim in, and at the same time, as soon as you get back out on the beach, they dry and then you can do the other shit you want to do. मैंने अंजुना पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के सबसे सुंदर सनसेट एंजॉय करे हैं। अंजुना का सनसेट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड गाइस, अगर इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो थाईलैंड की सीरीज आने वाली है नेक्स्ट वीक तक, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे एंड उसके बाद घंटी वाला आइकॉन प्रेस करके ही जाना। एंड गाइस, कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि हॉस्टल लेने के लिए, एक अमेजिंग बीच पे डे स्पेंड करने के लिए, पूरी रात सबसे क्रेजी साइड पार्टी करने के लिए एंड कुछ अपने जैसे कूल बैकपैकर्स से मिलने के लिए, अंजुना बीच इज योर आंसर इन गोवा। नॉर्थ गोवा इज योर आंसर इन जनरल एंड लेट्स आइकॉन ट्रैवल। बाय।